आप 90 के हो गए हैं माशाल्लाह आज जी। हो गया जी, हो गया। ये लगेगी जी। व्यूवर्स, मेरे गांव को जाने वाली सड़क देखें कितनी खामोश है, कितनी खामोशी है और कितना सुकून है। यहाँ पे जाते हुए मुझे इतना सुकून मिल रहा था, तो आप सोचें गांव में कितना सुकून होगा। मैं गांव क्यों जाना चाहती हूँ ये एक लंबी कहानी है, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल आप मेरा गांव जाने वाला रास्ता देखें और मेरा गांव देखें और वहाँ पे मेरा घर बनता हुआ देखें, आपको बहुत सुकून मिलेगा। बस आपने ना एक कमेंट जो है वो ऊपर स्क्रीन शॉट चल रहा है, वो आपने गौर से पढ़ लेना है कि उन्होंने कहा है कि जी आपका घर बनने से पहले ही, गाँव में आप घर बना रही हैं तो वहाँ पर बनने से पहले ही सैलाब आए और आपका घर बह जाए, तो ये मेरे दिल को बड़ी ठेस पहुंचाई है। उन्होंने जिन्होंने भी ये दुआ की है या बददुआ है मुझे नहीं पता, तो कह रही है कि आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया। हज़ारों कॉल्स आती हैं, हज़ारों लोगों को रिप्लाई नहीं मैं दे सकती, और जिन जिन को रिप्लाई मिलता है उनको पता है, लेकिन जिसने भी ये कहा है उसने अच्छा नहीं किया, घर मेरा बनने से पहले ही उसने बददुआएँ दी हैं। तो जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मुझे सपोर्टर हैं मेरे, जो मुझे शुरू से जानते हैं, उनको पता है कि मैं कैसी हूँ और मैं किस किस को रिप्लाई करती हूँ, किसको नहीं करती, सबको मेरे काम का पता, मुझे कोई भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं। कमेंट जो है वो मैंने स्क्रीनशॉट पे लगा दिया, ये आपने लाजमी पढ़ना है और देख लें कि इसने कहा क्या है कि आपका घर जो है सैलाब आए और पूरा घर बह जाए, फिर आपको पता चलो। फिर किसी ने कहा है कि मेरे बेटे को भी बददुआएँ दी हैं, तो आपके घर भी बच्चे हैं, तो जो बददुआ किसी के लिए सोचता है, किसी के लिए बुरा सोचता है, उसका खुद ही होता है, इसमें मुझे तो कोई नहीं। तो अल्लाह ताला हिदायत दे। ये स्क्रीन के ऊपर मैंने वो चलाया कमेंट, तो आप इसको पढ़ लीजिए और फिर मुझे बताइए। अपने कमरे की मैं खुद ही निकाल रही हूँ बुढ़िया, बिस्मिल्लाह रहमान जी। ठीक है ना जी, मेरे कमरे की अब बुनियाद निकल रही है जी। मैंने बिस्मिल्लाह कर दिया, अब इसके अंदर हम ईंट लगाते हैं बिस्मिल्लाह पढ़कर, आप दुआ करने के गांव में मैं सुखी रहूं इंशाल्लाह। मंजर हो रहा है देखिए, कितना प्यारा बादल है और ये देखिए कितना अच्छा खूबसूरत लग रहा है, और इतना अच्छा व्यू है। ये देखें गांव का व्यू, फसलें, बुनियादें निकालने लगे हैं हम अपनी, लेके आए जी बेलचा लाएं भाई जल्दी करें। ये देखें यहाँ पे सारी हम निकालते हैं बुनियादें और कमरे की तैयारी जो है ना शुरू करते हैं। मुन्ना और मीरो भी मेरे साथ। मुन्ने क्या कर रहे हो? बहना आप चुप कर दी, देखे शाम का कितना प्यारा मंजर लग रहा है जी। लूं वाले चावल बने हैं, साथ रायता है, बड़ा मजे का। अम्मी जी अस्सलाम वालेकुम, आपने बड़े प्यारे कपड़े पहने हुए, कहाँ जा रहे हैं? तैयार शहर हो गया, आ जाए इधर मेरे पास। साथ शामी कबाब है, साथ रायता है और साथ चावल है। अम्मी जी ठीक ठाक है? लोग कहते हैं आपकी अम्मी इतनी प्यारी हैं, जाहिर आप इतने प्यारे कपड़े पहनती हैं और इतनी आपकी प्यारी पर्सनैलिटी है। व्यूवर्स बताइए मेरी अम्मी आपको कैसी लगी है, देखिए कितनी प्यारी लग रही है पिंक सूट के अंदर, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो काम वाली कह रही है कि आपकी अम्मी इतनी प्यारी है, मैं कहा जी अम्मी कह रही नज़र ना लगा देना मुझे, नहीं नहीं नज़र नहीं लगती, खाना खाएँ आप। क्रिकेट भी खेल सकता है, इतना अच्छा खुला मैदान है, और इधर देखें पीछे भैंसे भी कितनी अच्छी, ये बच्चे सारे खेल रहे हैं पीछे गांव में। गुजर रहे हैं तो जाते जाते एक शूज़ भी ले लें अपने लिए, इधर से हम देखते हैं कोई शूज़ प्यारे से अगर मिलते हैं ले लें। रश देखें जी बहुत ज़्यादा, सेल जब लगती है तो बहुत रश हो जाता है, सेल पे आते हैं फिर सेल में बड़े बड़े मामला भी हो जाते हैं। मैंने फिलहाल अपने लिए शूज़ देखे जाएँ और लिए, क्या छोटा बच्चा भी साथ आया हुआ गाँव में अपना कमरा बनाने के लिए। हाँ जी व्यूवर्स बाय बाय करें, अच्छा सबको बाय बाय करो, सलाम करो, इधर देखो छोटे बच्चे इधर देखो, बाय 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 बाय। ये देखे छोटा बच्चा मेरे साथ है,
मीरू और मुन्ना भी खेल रहे हैं, ठीक है। गाँव का अपना ही मज़ा है, बड़ा ठंडा ठंडा माहौल, हवा चल रही है ठंडी। देखे मीरू, देखो इधर छोटे बच्चे, बाय बाय करो, सलाम करो सबको। हंस रही है, हंस रही, पापा को देख के हंस रही हो। और भाई मेरे भाई, चलें शुरू करें, यहाँ से शुरू करें ना, पहले इधर से आए, इधर से यहाँ से करें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, यहाँ से, यहाँ से, ठीक है। हाँ जी, चलें जी, हमारा कमरे की बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, ध्यान ना डब्बा मार, मुन्ने कोक ला के भाई को पिलाओ। हम लेने आए ईंटें भट्ठे से, कमरा बनाना है तो मैंने कहा ईंटें ले लें यहाँ से, यहाँ से हम ईंटें लेने आए हैं। ये भट्ठा है, यहाँ पे ईंटें बनती हैं। कमरा तैयार करने के लिए ईंटें तो चाहिए ना। क्रिकेट भी खेल सकता है, इतना अच्छा खुला मैदान है। और इधर देखें पीछे भैंसे भी कितनी अच्छी, ये बच्चे सारे खेल रहे हैं पीछे गांव में। गुजर रहे हैं तो जाते जाते एक शूज़ भी ले लें अपने लिए, इधर से हम देखते हैं कोई शूज़ प्यारे से अगर मिलते हैं ले लें। रश देखें जी, बहुत ज़्यादा सेल जब लगती है तो बहुत रश हो जाता है, सेल पे आते हैं फिर सेल में बड़े बड़े मामला भी हो जाते हैं। मैंने कहा फिलहाल अपने लिए शूज़ देखे जाएँ और लिए। बेकरी मेंटर हो गई, अब यहाँ से लेते हैं केक। केक बहुत प्यारे, मेरे ग्रीन भी अच्छा है, पिंक भी अच्छा है, रेड उससे भी अच्छा है, चॉकलेट के बड़े मज़े मज़े के केक, ये देखिए कितने अच्छे, ये सारे ड्राई फ्रूट वाले। और इसके साथ मिला दें जीरो, 90 साल का भी कोई होते हैं ऐसे, आप यूँ यूँ बर्थडे है, ये देखो 90 साल की, हाँ 90 साल इतने हो। क्यों डबल ओ बी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसलिए ये दुआ करें कि जब तक बाकी जो रह गई है इसमें कोई अच्छी चीज़ें हों तो बख्शिश हो जाए इंशाल्लाह। तो आप 90 के हो गए हैं माशाल्लाह आज। जी हो गया जी, हो गया। ये लगनी लग रही, लगाए लगेगी, बिस्मिल्लाह। ये देखें हैप्पी बर्थडे, माशाल्लाह माशाल्लाह, हैप्पी बर्थडे, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप केक कट करें, मम्मू आया भाई, आ जाएं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या अल्लाह पिछली गुजर गई है वो तिथि, आने वाली जिंदगी को या अल्लाह बेहतर बना दे, आमीन, और मेरी बख्शिश का सहारा बन जाए, आमीन। बिस्मिल्लाह, हैप्पी बर्थडे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, क्लैपिंग। प्यारा लग रहा है केक, 90 आज, हैप्पी बर्थडे यकूब साहब, ये देखें यकूब साहेब, और 90 ईयर्स इसको करें भाई जी। आप 90 के हो गए हैं, क्या कहेंगे इस बारे में, कुछ कहेंगे? 90 के हो गए हैं आप, क्या कहेंगे? बोले कोई, अगर हाजी यकूब साहब को आप एक्सप्लेन करें सिर्फ 2 वर्ड्स में, तो आप क्या कहेंगे अपने आप के बारे में?
जी बोलो। इमोशनल हो गए? मैं अभी तक समझ नहीं सका मैं क्या हूँ। हैप्पी बर्थडे। मैं चाहती हूँ कि आप माशाल्लाह एक सेंचुरी पूरी करें अल्लाह के हुक्म से। क्या शुरू करूँ? सेंचुरी पूरी करें। सेंचुरी सेंचुरी करा रहे हैं ना। आप क्या करने लगे हो? हैं बाल छोटे करवा दें, मैं से बड़े हो गए। ये देखें क्या पहना हुआ है, इधर बटन खोलें। और नहीं बटन क्यों खोलना है? खोले ना एक दफा। खोल दे मेरा बेटा, गर्मी हो रही ना, बटन खोल दो। ओ सही है, आप सही देखें। कोई बात नहीं, ऐसे लेकर आपने ये उतार दें जी। व्यूअर्स हम घर पहुंच चुके हैं और आज हम अपने उधर एक गांव की बुनियाद रखे हैं, एक कमरे में, कमरे की बुनियाद गांव में रखा है जाके ये बोलना मुझे। तो दुआ करनी है घर मेरा जो है ना वो अल्लाह ताला छोटा सा कमरा एक बना दे, बस एक कमरा ही चाहिए जिसमें बस सुकून हो और ज़िंदगी में परेशान नहीं होना चाहिए। मैं हो जाती हूँ बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा। तोते अंदर ला के रख दे मुन्ने मेरा बेटा, पंखा चलाए उनके ऊपर। तो परेशानियाँ तो ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं हमें होना चाहिए, क्योंकि फिर अगर आप ज़्यादा परेशान होंगे तो मसले मसाइल होंगे। तो अपना आपने ढेर सारा ख्याल भी रखना है, जो कि मैं नहीं रखती, लेकिन मैं लोगों को ज़रूर कहती हूँ कि वो अपना ख्याल रखें और अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और खुशियां मनाते रहें। छोटी छोटी सी खुशियां इकट्ठी करें, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी छोटी सी है, बहुत छोटी ज़िंदगी है। और इसमें नेकी के काम करने की कोशिश करें, लोगों से जितना हो सकें घुल मिल जाएँ, उनके दुख दर्द दूर करने की कोशिश करें और अल्लाह फिर इसका बड़ा अजर देता है। तो यही आपसे कहना था। चैनल अगर मेरा अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा और जजाए खैर देगा। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, उनको सपोर्ट करना चाहती हूँ, तो इसमें मुझे आपकी ज़रूरत है, सख्त आपकी ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप मेरा ख्याल रखें, क्योंकि बीमारों की दुआएं बड़ी लगती हैं। तो मैं आपके लिए हमेशा दुआ गो हूँ, अबू भी दुआ गो हैं। तो प्लीज़, और जिसने भी मेरा दिल ये दुखाया, मुझे शराब की बददुआएं दी, मेरा घर टूटने की बददुआएं दी, तो अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे। मैं उनसे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन कम से कम बोलते वक्त थोड़ा सोच लिया करें कि अगले बंदे का दिल भी दुख सकता है। कल एक नए व्लॉग के साथ फिर आऊँगी, और अभी तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।